कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पूजा उत्तराखंड की डेली ब्लॉग्स में। तो दोस्तों आज मैं अपने ब्लॉग की बात कर रही हूँ अपने छत से। ये और ये है मेरी बेटी और अभी है हम दोनों ही घर में, मैं और मेरी बेटी ही घर में है। मेरा बेटा कुकिंग किया है और आज जेठानी जी गई है मायके खटीमा अपनी बुआ के वहाँ रहने के लिए दो चार दिन के लिए। तो हम ही हैं घर में। अभी मम्मी पापा भी हॉस्पिटल गए हैं, वो थोड़ा सा मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनकी थेरेपी करानी होती है। यहाँ कंधे में दर्द रहता है उनके। और आज अभी तो कुछ खास नहीं है। तो ये है हमारे खेत दोस्तों, इसमें हमने एक मक्का बोई है और बीच वाले में हमने घास बोई थी जो काट दी है और वो सबसे लास्ट वाले में भी दोबारा बो रखा है। ये है पीछे ताईजी लोग का घर, ये हमारे नीचे की छत है। यहाँ पे मेरी लड़की की मस्ती हो रही है। क्या कर रही हो तुम? क्या कर ताई? कैसी हो? कैसी हो? ताई कहाँ गई है आज? ताई कहाँ गई आज? नानी के वहाँ। नानी को वहाँ। और भाई कहाँ है? भाई स्कूल। टू चंद। टू चंद। टू चंद। हाँ। तो मैं अब आ चुकी हूँ नीचे और जाती हूँ किचन में, खाने की तैयारी करती हूँ। आज काबू के साथ भी कोई नहीं है खेलने वाला, बोर हो गई है भी। आओ जल्दी आओ, हाथ पकड़ो। और अब मैं बनाती हूँ खाना बनाती हूँ। आज है चने के डुबके और भात। ये मम्मी लोग का कमरा। हाँ। और यह है दूसरा कमरा, ये हमारा तीसरा कमरा और यह है हमारा बड़ा वाला कमरा, बैठक वाला नीचे दीदी लोग का कमरा। यहाँ ठंडा रहता है, ऊपर तो बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। आज तो बारिश भी हुई है, कल रात बारिश हुई है तो मौसम भी अच्छा हो रहा है। तो मौसम सही हो रहा है, आज ठंडा हो रहा है, अच्छा हो रहा है। तो मैं भी खाना बनाऊँगी। थोड़ा मुझे रावत जी के साथ बाज़ार में जाना था, कुछ काम था, पर वो अभी तक आए नहीं है। यहाँ पे बन चुका है दलिया, यहाँ पे कट चुकी है मेरी घास, मेरी सब्जी भी कट चुकी है, आलू सब मसाला भी बन चुका है, प्याज टमाटर और न्यूट्रेला भी गाई मैंने आज। आज बनाऊंगी मैं आलू न्यूट्रेला की सब्जी। तो अभी हम जा रहे हैं रावत जी के साथ बाज़ार और यहाँ पर मम्मी पापा बैठे हैं। पापा पैसे दे दो, बाजार जा रही हूँ मैं। लाओ मोमो लेके आओ। ये बाजार जा मिलेंगे मुझे आप। तो आ चुके हैं रावत जी, कल है कीर्तन बुआ लोग के वहाँ, तो वहाँ चुन्नी चढ़ानी है मैंने, तो मैं लेने जाती हूँ चुन्नी। तो आपको मिलती हूँ मैं वहाँ से आने के बाद। पापा से पैसे मांग रही, पापा दे ही नहीं रहे। पापा बोल रहे हैं अगले साल लेना मेरे रिटायरमेंट के टाइम पे, मैं तुझे 50,000 का चेक दूंगा। लेकिन मुझे फ़ोन लेना है, मुझे पापा से अभी लेने पैसे, तो मैं अभी घर आके पापा से पैसे लेती हूँ। ठीक है पापा, फ़ोन लाने के लिए पैसे दोगे ना मुझे? अभी ना, अभी मैं आ रही हूँ घर। मम्मी मोमो खाओगे? पैसे दोगे मुझे पहले मोमो लाने के लिए? चलो फिर हम चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे भी आके। चलो निकल चुके हैं, मैं शीतल भी बैठी है मेरे साथ। शीतल को छोड़ना है मैंने पार्लर में, कल ट्रेनिंग बना दी है शीतल कल कीर्तन में जाने के लिए। और हम जा रहे हैं रावत जी के साथ, तो आपको भी ले चलती हूँ मैं। Thank you.
चाचा की दुकान में कैलाश दा, ये रहे मेरे पीछे दुकान के मालिक। और मुझे चाहिए दादा चूड़ी चाहिए एक दर्जन, और बिंदी चाहिए मुझे, और मुझे चाहिए सिंदूर। भाभी नहीं है दुकान में अभी, और दादा संभाल रहे हैं दुकान। हाँ एक सिंदूर, ये है भाभी का पार्लर, भाभी अभी नहीं है यहाँ पे। ये है इनका पूरा पार्लर। तो दादा और भाभी दोनों दुकान संभालते हैं। भाभी बहुत अच्छा फेशियल करती है, ज्योति ब्यूटी पार्लर। ये है यहाँ पे बिठोए नंबर 2 में। तो अब मैं लेती हूँ सामान। चला तो दुकान में इतना बिजी हो जा रहे हैं, ये पीछे से आए सनवाल दादी। तो हमने पहले लिया सामान माता रानी का, उसके बाद हम लोग गए राज बेकरी, समोसे लिए बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, पापा के लिए। और उसके बाद फिर हम गए भाभी के पार्लर में, ज्योति भाभी के पार्लर में। और अब हम जा रहे हैं घर को, रास्ते में हैं, फिर घर जाके बनाऊंगी मैं खाना। यहाँ पे शीतल हमारे लिए रुकी थी पार्लर में, और ये मिल चुकी है हमें, अब इसको भी लेके जाते हैं हम घर को। और हम समोसे कम लाए हैं तो इसको नहीं मिलेंगे समोसे। तो हम मिलते हो आपको सीधा घर में, और रावण जी करेंगे मेरी हेल्प खाना बनाने में, क्योंकि इनकी वजह से मुझे देर हो गई। अगर ये टाइम पे आते तो मैं जल्दी मार कर चली जाती, और यह है देर में, तो अब ये करेंगे मेरी मदद। तो मिलती हूँ सीधा घर में। मम्मी ने बना दिया सब्जी, और मैं और राहुल जी बनाएंगे अभी रोटी थोड़ी देर में। तब तक हम खाते हैं समोसे जो हम लेके आए हैं, समोसे सबके लिए। तो मैं सबको देती हूँ समोसे पहले ये। और भैया को लग रहा है निशाज आज दीदी गई है मायके, पेट दुखी। अभी करते हैं भैया की बात, वीडियो कॉलिंग में कराते हैं बच्चों से, क्योंकि उनको आ रही है याद बहुत ज़्यादा। पकड़ मैं कर रही हूँ अपनी जेठानी से बात। सुबह का ये मैंने सोचा था मुझे आज आटा नहीं गूंदना पड़ेगा, और मेरा आटा ऐसा हो गया, ख़राब हो गया। रावत जी गूंद रहे हैं आटा, फिर हम बनाएंगे रोटी। लेट भी हो चुका है, 9 बज गए। जी ने कूद दिया आटा, यह है। और अब हम बनाते हैं रोटी। तो हम बना रहे हैं रोटी, और उसके बाद हम लोग खाएंगे, फिर हम लोग मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग के साथ। और रोटी बनाने में कर रहे हैं राहुल जी मेरी हेल्प, जलाना मत हम, और मेरे से अच्छी रोटी रावत जी बनाते हैं। पहले से शादी से पहले, हमारी शादी से पहले रावत जी खाना बनाते थे, रावत जी और भैया, क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, तो ये दोनों बनाते थे खाना। तो आज फिर मैं इनको वही पीछे क्लास बैग में ले जा रही हूँ खाना बनाते हुए। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं से समाप्त करती हूँ। रोटी बनाने के बाद हम खाएंगे खाना। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, अपना ख्याल रखिएगा।